न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। और बात करते हैं सतना की रामपुर बघेलान थाना क्षेत्र से, जहां छुट्टी मनाने गए परिवार की महिलाओं और बच्चों से तीन लोग छेड़छाड़ कर रहे थे। महिलाओं और बच्चों ने जब छेड़छाड़ का विरोध किया तो उनकी पिटाई हो गई। ये देखकर जब लोग उन्हें बचाने आए तो उनके साथ भी मारपीट की गई। इस विवाद में महिलाओं और बच्चों समेत परिवार के दर्जनों भर लोग घायल हो गए हैं। वहीं उपद्रवी वाटर पार्क के भीतर उपद्रव कर रहे थे, तब न्यायिक अधिकारियों के परिवार भी वहीं मौजूद थे। उनकी इस हरकत से दहशत में आए अधिकारियों के परिवार ने भी किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई। पुलिस ने वाटर पार्क को सील कर दिया है। जानकारी के मुताबिक सतना के रामपुर बघेलान थाना क्षेत्र के ग्राम रुहिया में वैकेशन वाटर पार्क है, जहां रविवार के दिन यहां दिन भर अपेक्षा से अधिक भीड़ रहती है। रविवार के दिन ही यहाँ एक बवाल हुआ। वाटर पार्क में सतना से परिवार के साथ छुट्टी मनाने गए लोगों के साथ आवारा लोगों ने मारपीट कर दी। दरअसल महिलाओं और बच्चों के साथ स्विमिंग पूल में तीन आवारा युवक छेड़छाड़ कर रहे थे। बच्चों ने शिकायत की तो महिलाओं ने उन्हें ऐसा करने से मना किया, जिस पर एक युवक ने महिला को थप्पड़ मार दिया। परिवार के पुरुष सदस्यों ने देखा तो उन्हें रोकने पहुंचे, जिसके बाद उनके साथ मारपीट भी की गई। मारपीट कर वो लोग वहां से चले गए। परिवार के सदस्य जाने के लिए निकले, लेकिन वाटर पार्क के मैनेजर ने उन्हें 10 मिनट बाद जाने की सलाह देकर रोक लिया। परिवार के सभी सदस्य वहां बैठे ही थे कि उपद्रवी अपने साथ कई और लोगों को साथ ले आए, और इस बार वो लाठी और रॉड लेकर आए। एक बार फिर उनसे मारपीट करने लगे। उनके सामने जो भी पड़ा उन्होंने उसे पीटा। इस घटना में महिलाएं, बच्चे और पुरुष सभी को घातक चोटें आई हैं। घटना की सूचना मिलने पर रामपुर बघेलान टीआई संदीप चतुर्वेदी वाटर पार्क पहुंचे, जहां पुलिस ने वाटर पार्क को सील कर दिया है। घायलों को अस्पताल भेजकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बताया जाता है कि आरोपी रुहिया और बैजनाथ गांव के हैं, जो पत्थर और गिट्टी का अवैध कारोबार करते हैं। इस घटना में अनूप सिंह 37 वर्ष, 39 वर्षीय दीप सिंह, 7 वर्षीय लक्ष्य सिंह, 16 वर्षीय अमन, 16 वर्षीय आस्था, 35 वर्षीय खुशबू सिंह और 39 वर्षीय आशीष पांडे, पूर्वी पांडे 35 वर्ष, 25 वर्षीय जयप्रकाश और 28 वर्षीय दिलीप विश्वकर्मा को चोटें आई हैं। सभी घायलों को देर रात सतना जिला अस्पताल ले जाया गया है। रामपुर थाना पुलिस ने इस मामले में सचिन कुशवाहा, विकास सिंह, विकास कुशवाहा, अंकित सिंह, दादू सिंह, प्रिंस सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 148, 294, 323 और 324 तथा 506 के तहत मुकदमे को दर्ज किया है।